You're planning a pregnancy now. What are the factors that really are important? Well, I'm Dr. Sonal Kumta and I'm speaking to you from Fortis Hospital, Mulund. Isse answer karne se pehle, let me give you a little brief on the reproductive physiology. So, all of us know that our periods come at defined time. So, aapka menstrual cycle 28 to 32 डेज का होता है. जिस दिन ब्लीडिंग चालू होगा हम उसे फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस कहेंगे. नॉर्मली एक अंडा यानी कि एग डेवलप होना शुरू होता है ओवरी में और मे बी 14-15 डे तक वो अच्छे से बन के इट बिकम्स अ राइप एग एंड देन इट बर्स्ट आउट ऑफ द ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड ओविलेशन. तभी फैलोपियन ट्यूब इस एग को उठा लेती है और इसी समय अगर इंटरकोर्स या रिलेशंस हुए तो स्पर्म यूट्रस के अंदर और वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है और इस फैलोपियन ट्यूब में ही एग और स्पर्म इकट्ठा होते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और इसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं. अभी ये फर्टिलाइज्ड एग जल्दी से बढ़ने लगता है. एक सेल के दो सेल, चार सेल, आठ सेल, 16 सेल, इस तरह से वो बढ़ते जाता है और सेम टाइम वो धीरे धीरे से यूट्रस की तरफ पुश किया जाता है और यूट्रस में अच्छी जगह ढूंढ के वो वहाँ चिपक जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन. तो अभी तक मैंने आपको तीन इम्पॉर्टेंट शब्द कहे. एक है ओव्यूलेशन जैसे कि अंडा फूटना, दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है इम्प्लांटेशन. अगर ये अच्छे से आप समझ गए हो तो आई विल नाउ टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट एग हैज टू फॉर्म वेल एंड इट हैज टू बर्स्ट वेल. सो दैट इज द रोल ऑफ योर ओवरीज. The second important factor is the tube. That means the egg should get pulled into the tube and the fertilization has to happen in your fallopian tube. The third important factor is your uterus because it has to help to grow the pregnancy once it reaches there. The fourth important factor is the hormones or the chemicals that are released by your brain to control all these processes that are happening. And in all of this, let's not forget your partner, yani ki jo husband hai, uske bhi sperms, uska quantity, semen count, uska quality, us sperms ki motility, or in general, the whole semen is also very important factor in getting pregnant. So I hope this video was of some help to you. And in case of any doubts or any questions, you are most welcome to consult us in the OPD. Thank you.